सामने कि तुम्हारी औकात क्या है कि टैक्सी ड्राइवर हमारे इतने बड़े घर का धमाक बंद करा है। ओ, तेरी तिजोरी का सोना नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम। मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष मोद खान। आज हम ऐसी फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो शायद सबने देखी होगी और सबको पसंद होगी। उस फिल्म की सारी बारीक डिटेल के बारे में बात होगी, फैक्ट्स के बारे में बात होगी, उस फिल्म की हर एक चीज हर एक पहलू पे बात होगी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो कोई और फिल्म नहीं है, वो फिल्म है आमिर खान करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी। और ये फिल्म आप सबने देखी होगी और इस फिल्म के बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको पता हो। यह फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। इसका बजट जो रखा गया था 5 करोड़ रुपए और यह फिल्म ने कमाए थे 74 करोड़ रुपए और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। सोचो कितनी बड़ी बात है। आपको पता है इसी फिल्म के साथ सनी देओल शरीफ पाजी की अपनी जो फिल्म है वो क्रैश हुई थी दूसरी बार। सबसे पहले दिल में हुई थी, फिर दूसरी बार यहां पर भी हुई थी। दिल में वो घायल आई थी लेकिन 96 में घातक एंड राजा हिंदुस्तानी एक साथ ही आई थी। दोनों फिल्में कामयाब हुई थी लेकिन बाजी मार गए थे आमिर खान जैसे, घायल से बाजी मार गई थी दिल, उसी तरीके से घातक से बाजी मारती हुई नजर आई थी राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने। ये वही धर्मेश दर्शन है जो आगे चलकर धड़कन बनाई थी। धड़कन नाम इसलिए लिया, आपको पता है धड़कन एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी और सेम इसी तरीके से राजा हिंदुस्तानी के साथ भी हुआ था। आपको पता है राजा हिंदुस्तानी फिल्म की स्टोरी कोई इतनी खास नहीं थी कि जो आपने पहले कभी ना देखी हो। बहुत सिंपल सी कहानी थी जो उस वक्त होती थी, एक अमीर लड़की है और गरीब लड़का है ड्राइवर, और दोनों में प्यार हो जाता है, फिर लड़की जो है बगावत करती है अपने फादर से और इनसे शादी कर लेती। ये उस टाइम हम कई फिल्मों में देखा है लेकिन इस फिल्म का जो मेन चीज था वो था आमिर खान और करिश्मा कपूर का परफॉर्मेंस प्लस इस फिल्म के गाने। मतलब जो फिल्म के गाने थे मैं क्या बताऊं, आप आज आपको पता होगा आज भी यूट्यूब पे कोई बंदा उसके गाने को डाल देता है ना, चाहे उसमें कॉपीराइट कुछ भी हो लेकिन फिर भी वो मिलियन व्यूज आ जाते हैं। मतलब लोग इतना पसंद करते हैं आज भी। मतलब परदेसी परदेसी जाना नहीं, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, तेरे इश्क में नाचेंगे, मतलब सब कुछ मतलब सारे गाने जितने ना बहुत ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गाने हैं, जबरदस्त है और सारे गाने की वर्डिंग बहुत प्यारी है। इसमें म्यूजिक दी थी नदीम श्रवण ने। अच्छा राजा हिंदुस्तानी साथ ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म जो है आपने प्यार झुकता नहीं मिथुन की देखी होगी या बर्रा साहनी की एक फूल दो माली, उससे कॉपी है, मतलब उसको कॉपी करके बनाई गई थी ये फिल्म। लेकिन हम लोगों ने तो राजा हिंदुस्तानी पहले देखा था, बाद में वो जब नाम आया तो प्यार झुकता नहीं देखा तो ये देखा, लेकिन याद तो अपने को राजा हिंदुस्तानी जो कि प्यार झुकता नहीं एक फूल दो माली बहुत ही कामयाब लोग बताते हैं, बहुत जबरदस्त फिल्म थी, बट अपने तो राजा हिंदुस्तानी देखी थी, हम लोगों को नई फ्रेश लगी थी तो बहुत बेहतरीन अपने को लगी। और आमिर खान की परफॉर्मेंस मैं क्या बोलूं यार। अच्छा इसके अंदर एक फैक्ट ये भी है जो आमिर खान इस फिल्म को करने के लिए आमिर खान तैयार नहीं थे। वो पता है राजा हिंदुस्तानी करने के लिए आमिर खान रेडी नहीं थे। आमिर खान उस टाइम बिजी चल रहे थे इश्क 1940 अर्थ एक फिल्म मारी थी आमिर खान की, वो फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तो आमिर खान ने इस फिल्म करने से मना कर दिया था। बट इसके जो डायरेक्टर थे वो पीछे पड़ गए आमिर खान के, नहीं भाई साहब आप कर लो कर लो कर लो, की कहानी मैंने आपको माइंड में रख कर ही लिखी है, ये आप ही के लिए तो आपको करना पड़ेगा। बहुत मिन्नतें की बहुत रिक्वेस्ट की तो आमिर खान फाइनली मान गए इस फिल्म करने के लिए। और ये फिल्म का टाइटल जो आमिर खान के नाम से ही रखा गया था, जो फिल्म में उनका कैरेक्टर है राजा हिंदुस्तानी जो कि बहुत अद्भुत नाम था, हिंदुस्तानी बाद में लगा रहता है राजा हिंदुस्तानी। बहरहाल इसका एक फैक्ट ये भी है, इसकी जो हीरोइन है करिश्मा कपूर वो पहली चॉइस नहीं थी। इससे पहले ये फिल्म गई थी जूही चावला के पास, जूही चावला ने साफ मना किया कि हम ये फिल्म नहीं करेंगे। बाद में ये फिल्म चलेगी पूजा भट्ट के पास। पूजा भट्ट के पास जब फिल्म गई तो आपको पता है उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि आमिर खान पूजा भट्ट एक फिल्म कर चुके थे, एक फिल्म दिल है कि मानता नहीं, और वो फिल्म बहुत कामयाब हुई थी और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था पूजा भट्ट के फादर महेश भट्ट ने, और उसपे उनका पेयर लोगों को बहुत पसंद आया था। मतलब जो कि आमिर खान पूजा भट्ट की जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो धर्मेंद्र दर्शन चाहते थे इस फिल्म में पूजा भट्ट हो ताकि उस चीज को कैश फिर से करवा ले बहुत इजी तरीके से। लेकिन आमिर खान को जब ये बात पता चली कि पूजा भट्ट इसमें हीरोइन होने वाली है तो आमिर खान ने कहा मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। उसका मेन रीजन ये था जब फिल्म कर रहे थे दिल है कि मानता नहीं तो इनको लेकर इनके बीच के अफेयर की अफवाहें इतनी ज्यादा होने लगी, तो उन्होंने आमिर खान ने अपनी शादी को बचाने के लिए ये कसम खा ली कि पूजा भट्ट के साथ अब हम काम नहीं करेंगे किसी भी फिल्म में, क्योंकि सारी जुबा पे एक ही बात थी कि पूजा भट्ट एंड आमिर खान का अफेयर चल रहा है। तो शादी को बचाने के लिए आमिर खान ने कहा पूजा भट्ट होगी तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा।
तो इसीलिए फिल्म चली गई ऐश्वर्या राय के पास। ऐश्वर्या राय उस टाइम नई नई आई थी फिल्म इंडस्ट्री में और मणि रत्नम की पहली फिल्म उन्होंने साइन कर चुकी थी, तो इसलिए वो ज्यादा प्रेशर दिमाग पे माइंड पे लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मना कर दी। तो बाद में आई करिश्मा कपूर के पास, तो करिश्मा कपूर ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया आपको पता ही होगा। इसका एक फैक्ट ये भी एक गाना आपको पता है, तेरे इश्क में नाचेंगे तूने तड़पाया है तुझको तड़पाएंगे तेरे इश्क। ये गाना जो था ना इसमें आमिर खान ने रियल में, आपको पता है आमिर खान मिस्टर परफेक्टनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, रियल में वो एक वोडका पी चुके थे और कैसा परफॉर्मेंस आमिर खान ने झूम के गाने में दिया है आप सबको पता ही होगा, मतलब कमाल का दिया था। इसका एक फैक्ट ये भी है, इस फिल्म का जो किसिंग सीन रखा गया था ना बहुत लंबा था, ऐसा किसिंग सीन पूरे बॉलीवुड में कोई भी फिल्म में नहीं रखा गया था, इतना लंबा किसिंग सीन। और ये किसिंग सीन इस फिल्म को बहुत बड़ा बेनिफिट भी दे गया क्योंकि बहुत लोग यही देखने आए थे ये किसिंग सीन में है क्या, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं। मतलब क्या मैं बताऊं, आपने तो देखे ही होगा। अच्छा इसका एक फैक्ट ये भी, इस फिल्म को 5 अवार्ड मिले थे, पहला अवार्ड बेस्ट एक्टर, दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस, तीसरा बेस्ट फिल्म, चौथा बेस्ट म्यूजिक, पांचवा जो है बेस्ट मेल सिंगर। 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी इस फिल्म को मिले थे। इसमें म्यूजिक आपको पता है नदीम शरण 90s के, उनकी हर गाने जितने भी फिल्म के गाने होते थे सब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, मतलब नाम था यार नदीम शरवन का, आपको पता है। और सबसे पहला धूम मचा चुका था आशिकी का। और बात कर गए थे ये 90s में नंबर 3 पोजीशन पे राजस्थानी थी म्यूजिक एल्बम में। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी कमाल कमाल के गाने इस फिल्म के अंदर थे यार। बात करें इसमें और सब जो एक्ट्रेस, सुरेश ओबराय, जॉनी लीवर, जो जिसका जो रोल था ना वो परफेक्ट था, कमाल था, धमाल था। इसमें मिस ब्रिगेंजा भी थी, यानी अर्चना पूरन सिंह, जी हाँ वो करिश्मा कपूर की सौतेली माँ का कैरेक्टर भी बहुत कमाल का निभाया था। मोनिश बहल, मैं क्या बोलूं मेरा भाई, टोटली मिला के ये फिल्म बहुत ही कमाल थी, जबरदस्त थी, राजा हिंदुस्तानी फिल्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है। देखो ये फिल्म मैंने बचपन में देखी थी, आपको पता है कि मुंबई के जस्ट बगल में एक जगह है भिवंडी, आपने नाम सुना होगा, वहां पे एक थिएटर हुआ करता था हसीन फरहान, तो फरहान ने ये फिल्म लिखी थी राजा हिंदुस्तानी, और भिवंडी का ही एक बहुत बड़ा थिएटर है रतन, दोनों में ये लगी थी राजा हिंदुस्तानी। और मैं बहुत छोटा था, मम्मी बताती हूँ उस टाइम मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी, उस टाइम याद तो नहीं है, बस इतना पता है कि राजा हिंदुस्तानी मैंने फरहान में देखी थी और इसका मम्मी के साथ देखी थी। बहुत बड़ी यादगार ये फिल्म है क्योंकि माँ के साथ देखी थी और छोटा था, याद नहीं, बाद में वो फिल्म 5-6 साल बाद देखी तो समझ में आया फिल्म में क्या है, कौन हीरो कौन ऐसा। बहरहाल ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, मैंने कई बार उसके बाद देखी है राजा हिंदुस्तानी, माइंड ब्लोइंग फिल्म है और शुरू से एंड तक यार देखो ऐसी फिल्म में देखने में मजा आता है जिसमें कॉमेडी भी हो, सॉन्ग्स भी हो, रोमांस भी हो, हर एक चीज मौजूद थी, एक्शन भी था इसमें लास्ट में उसके बच्चे को। और देखो ये शर्ट मैंने जो पहली ऐसे आमिर खान ने भी पहनी थी, आपको याद है आमिर खान ने भी ऐसी शर्ट राजा हिंदुस्तानी में पहनी है, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल आपने राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ आपको कैसी लगती है, और इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे जबरदस्त लगता है, और आपकी कौन सी यादें इस फिल्म के साथ जुड़ी है, आपने थिएटर में देखी है कि घर पे देखी है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, बुरी लगी तो डिसलाइक करना, और अपना कमेंट करके जरूर बताना आपको ये फैक्ट्स वाला वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू अगेन।